हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज का वीडियो भी बड़ा ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस टॉपिक पर भी आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम ये कैसे कंफर्म करें कि हम जिस लड़की को प्यार कर रहे हैं वो वाकई में हमको चाहती है कि नहीं चाहती है, ये क्लियर कैसे करें। हम इस उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि हमें मतलब हम क्लियर कर ही नहीं पाते हैं, और जब क्लियर होता नहीं है तो बहुत समय लग जाता है, बहुत देर हो जाती है। तो ये वीडियो जो है वो तो ऑफ है, मतलब कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, लड़कियां अपने हिसाब से समझ लेंगी और लड़के लड़कों के लिए तो ये वीडियो है ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तीन ऐसे इशारों के बारे में बात करूंगा। ये तीन इन तीन इशारों में से एक भी इशारे अगर आपके पार्टनर में है, आपका पार्टनर आपको दे रहा है, तो समझ लो कि वो सेट है, बस आप आई लव यू बोल दो, आपका काम बन जाने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या है कि तीन इशारे जो हैं वो हम 3-2-1 करके चलेंगे, रोस्ट टू पेस्ट तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले नंबर तीसरे नंबर पर मैंने जिसको रखा है वो है कि पलट कर देखना, ठीक है। ये जो ओवर टर्न है ये आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता है, तो आज आपको मैं इसका थोड़ा इसके पीछे का साइंस मैं बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास से एक लड़की गुजर रही है, तो लड़की जब गुजर रही है तो अगर अब यहाँ पे मैं आम लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो जो आपकी लाइफ में है या जिसकी लाइफ में आप हो, आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, नज़रें मिली हैं, ठीक है, स्माइल पास आउट हुआ है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो वो लड़की आपके पास से गुजरेगी, तो जब वो गुजरेगी ना तो उसके माइंड में आप अगर हो, ठीक है, उसके माइंड में उसके दिल में अगर आप हो ना, तो वो उसका दिल वाइब्रेट करेगा। मतलब क्या है कि वो जैसे ही आगे बढ़ के जाएगी तो वो ना चाहते हुए भी पलट कर देखेगी। क्यों? क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट कर देगा उसको, वो चाहे या ना चाहे वो पलट कर देखेगी, किसी ना किसी बहाने से देखेगी, और ये उसका कॉन्शस माइंड उस समय नहीं उसको पलटने पर मजबूर करेगा, सब कॉन्शस माइंड उसको पलटने पर मजबूर करता है और वो पलट कर देखती है वो चाहे या ना चाहे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि कभी कभी ऐसा होगा कि लड़की थोड़ा सा सातिरपन दिखाएगी, वो सीधे चलते ही चली जाएगी, पलट कर नहीं देखेगी। हालांकि वो आपको लाइक करेगी, पसंद करती है, लेकिन पलट कर नहीं देख रही है, तो आपको लगेगा यार इसका मतलब प्यार ही नहीं कर रही, लाइक नहीं कर रही है। तो ये इस तरीके से जज नहीं करना, आपको 1-2-3 बार आपको इस तरीके से जज करना है, फिर जाके आप क्लियर पता कर पाओगे, ठीक है। तो पलट कर देख रही है तो समझो सब कुछ सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो है कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स देखो, तारीफ़ें जो है आपको मिलेंगी, ठीक है, आपको मिलेंगी और आपकी सारी चीज़ों को मिलेंगी। मतलब जैसे कि आपके ड्रेस, आपने कोई ड्रेस पहनी उसकी तारीफ़ होगी, आपने कोई जोक मारा तो उसकी तारीफ़ करेगी, आपने जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ सजेशन दिया, एडवाइस दिया, अगर कोई काट भी रहा है तो वो उसको नहीं काटने देगी, मतलब कि वो रेस्पेक्ट करेगी आपकी, आपके बातों की, आपके चीज़ों की, उनकी तारीफ़ करेगी, क्योंकि वो आपको पसंद कर रही है, तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसको पसंद आने लगेंगी। अब एक बात और, अब कभी कभी ये ऐसा हो सकता है कि वो सीधे डायरेक्टली आपसे आपकी तारीफ़ ना करे, तो इनडायरेक्टली कर सकती है, मतलब कि अपनी सहेलियों से आपकी तारीफ़ करेगी, आपके बारे में बताएगी, इस तरीके का बहुत कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है कि वो इस तरीके से भी कर सकती है, जैसे कि वो आपसे बात करे तो आपको आपसे बोल सकती है कि आपको ना मतलब कि वैसी लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है, तो अगर वो किसी तीसरे लड़की को ले के बीच में आ रही है और उसका एग्जाम्पल दे रही है, तो पक्का जानो कि वो आपसे सेट है, ठीक है। क्योंकि तीसरे का एग्जाम्पल इंसान तभी देता है जब वो आपके नज़रों में मतलब नोटिसेबल होना चाहता है, तब वो दूसरे के तीसरे का एग्जाम्पल देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे किसी को भी आसानी से जज कर सकते हो कि वो आपको लाइक करता है कि नहीं करता है। अब ये क्लीनअप क्या है, क्लीनअप का सेंस क्या है, वो मैं आपको बता दूँ। क्लीनअप का जो सेंस है वो ये है कि मतलब कि लड़की जैसे ही आपके सामने आएगी या आप उसके सामने जैसे ही आओगे, तो वो क्लीन अप होने लगेगी, मतलब कि अपने बालों को संभालने लगेगी, अपने बालों को संभालेगी या फिर बालों में उंगली करेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि चेहरा साफ करने लगे, या दुपट्टा या जो भी कुछ है उसको मतलब कि संभालने लगे, जो भी कुछ है मतलब कि वो ठीक ठाक होने लगेगी, थोड़ा सा रिफ्रेश होने लगेगी, मतलब अपना हुलिया जो है उसको करेक्ट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि क्योंकि देखो अभी यहाँ पे समझना एक बात, क्योंकि अगर वो आपको लाइक करती है तो वो जब सुबह उठेगी तो वो अपना ड्रेसिंग सेंस, जो भी कुछ है, अपना मेकअप वगैरह, जो भी कुछ सजेगी धजेगी ना, वो आपको ध्यान में रखकर करेगी,
तो इसका मतलब है कि जब भी आप सामने आओगे तो उसको वो ठीक करेगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर वो बालों को संभाल रही है या फिर अपना हुलिया ठीक कर रही है, दुपट्टे को सही कर रही है, या चेहरे से धूल हटा रही, जो भी कुछ है तो ऐसा करेगी। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, विद स्माइल होना चाहिए, हल्का सा एक स्माइल देख के या फिर आपकी तरफ नज़रें उसकी उठी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर केस में ऐसा भी होता है कि हम किसी अनजान स्ट्रेंजर पर्सन को भी देखते हैं, तब भी तो हम यही करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने किसी एक अनजान लड़की को देखा, अच्छी है, खूबसूरत है, तो हम भी कलर वगैरह सही कुछ करने लगते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है कि स्माइल नहीं होती उस समय चेहरे पे। लेकिन अगर आप किसी को लाइक करते हो तो उसमें आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होगी और आपकी नज़रें जो है वो उसी की तरफ होंगी, ठीक है। तो ये क्लीनअप वाला फंडा इतना ज़्यादा काम करता है कि इसको अगर आप अच्छे से नोटिस करो ना, तो सेकंड चुटकियों में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वो लड़की आपको प्यार कर रही है कि नहीं कर रही है, लाइक करती भी है कि नहीं करती है। तो ये तीन तरीके हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है। इन तीनों से आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एंड में आज मेरे पास एक कॉल आया अहमद अली अहमद भाई का, तो इन्होंने, ये पंजाब के हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने बहुत तारीफ़ की, कॉम्प्लीमेंट दिया, और मतलब कहा कि हम बहुत आपके वीडियोस वगैरह सब कुछ देखते हैं। इनकी जो भी प्रॉब्लम थी तो फ़ोन पे बात हुई इनसे, तो किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वो भी मैं बताऊँगा। तो अली अहमद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मतलब कि मैंने बोला था आपसे कि सपोर्टिंग कॉमेंट मैं एक वीडियो में पिक करूँगा कोई ना कोई एक, ठीक है। तो आज के सपोर्टिंग कमेंट के रूप में मैं अली अहमद भाई को पिक किया हूँ, तो थैंक्स अली अहमद भाई। अब यहाँ पे एंड में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे को लव इंटरसिटी के फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, क्लिक करके वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। और एंड में कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस पर आप लव इंटरसिटी @CM4 पूरा सर्च मारिएगा, फिर आपको वहाँ से कॉन्टेक्ट करने का जरिया मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।